हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम करियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए। और फ्रेंड, ये वीडियो हमारे एक व्यूअर राकेश भाई ने हमें कमेंट किया था कि हमें थ्री व्हीलर व्हीकल चलाना है तो हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, उनके लिए ये वीडियो है, अगर वो वीडियो देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी जान जाएंगे कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस से हम थ्री व्हीलर व्हीकल चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं और आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, मैं आपको जल्दी ही बता दे रहा हूँ कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस से थ्री व्हीलर व्हीकल चला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपके मन के डाउट को एक क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम LMV ड्राइविंग लाइसेंस से ही थ्री व्हीलर व्हीकल चला लेंगे तो आप गलत हैं। आप LMV ड्राइविंग लाइसेंस से थ्री व्हीलर व्हीकल नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए जान लेते हैं कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए फ्रेंड हमें 3WNT और 3WTR लाइसेंस बनवाना पड़ता है। फ्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करा दे रहा हूँ कि 3W का मतलब है थ्री व्हीलर और NT का मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट और TR का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड, अगर आप थ्री व्हीलर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए चलाना चाहते हैं, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं करेंगे, तब आप 3WNT ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। यदि आप अपने थ्री व्हीलर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं, जैसे पैसेंजर को बैठा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, तो इसके लिए आपको 3WTR ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ, अगर आपके पास थ्री व्हीलर व्हीकल है और आप पर्सनल यूज के लिए रखे हैं, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला काम नहीं करते हैं, तब आपको 3WNT ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड, अगर आपके पास थ्री व्हीलर व्हीकल है और आप ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं और नॉन ट्रांसपोर्ट वाला भी काम करते हैं, जैसे आप पैसेंजर को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं और पर्सनल यूज का भी काम करते हैं, तब आपको 3WTR ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 3WNT ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तब आप पैसेंजर नहीं बैठा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पास थ्री व्हीलर व्हीकल है तो आप 3WTR ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि उस ड्राइविंग लाइसेंस से आप नॉन ट्रांसपोर्ट वाली काम भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट वाला काम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने जाना कि थ्री व्हीलर व्हीकल चलाने के लिए हमें कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।